मालदा, जिस दिन ये पवित्र रजोहरे, आप जानते हैं रजोहरे क्या है? ये तीर्थंकर परमात्मा का वरद हस्त है। जब कभी दीक्षा होती है, तीर्थंकर परमात्मा स्वयं अपने हाथों से रजोहरे आकांक्षी मुमुक्षु या जो दीक्षार्थी होते हैं उनके हाथों से ये रजोहरण की प्राप्ति होती है। और जब यह रजोहरण मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि उसे मस्तक से स्पर्श करके जो प्राणों की तड़प श्रावक के तीन मनोरथ होते हैं उसमें से एक मनोरथ होता है कब मुझे संयम जीवन की प्राप्ति हो, इस भाव में नहीं तो आने वाले भाव में। और वैसे भी यदि किसी को मास्टर्स करना हो तो पहले वह नर्सरी प्राइमरी क्लासेस धीरे धीरे वह ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। पहले कुछ अंशों में पार्शियली सेल्फ कंट्रोल करने की साधना प्रारंभ होती है और धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते जब अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है तब यह संयम जीवन गुरु कृपा और प्रभु कृपा से प्राप्त होता है। नन्हे से वज्र स्वामी जन्म हुआ और कानों में यह शब्द सुनाई दिए कि इनके पिता तो दीक्षित हो गए, यदि पिताजी होते तो पुत्र का जन्मोत्सव राजशाही थाट पाट से बनाया जाता। सिर्फ दीक्षा यह शब्द सिर्फ कानों को नहीं उनके प्राणों को झंकृत कर दिया है, कर गया। आप सोचिए न्यू बॉर्न बेबी है, अभी जिस नन्हे से शिशु का जन्म हुआ है दीक्षा शब्द सुनते ही कहां सुना है, कब सुना है, और जब भीतर चेतन मन से अवचेतन मन की गहराइयों में डुबकी लगाते चले गए तब उनको पूर्व जन्म की स्मृति। वैसे भी जो इनोसेंटनेस एक बच्चे की होती है उम्र बढ़ने के साथ साथ चूंकि मन में अनेक ग्रंथियां हम बांधते चले जाते हैं जिसके कारण चेहरे की निर्दोषता और उसका भी यदि की पॉइंट यदि देखा जाए तो भावों में जो निष्कपटता होनी चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वह धीरे 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 ब्लर हो जाती है और कहा जाए तो कम होते होते जो नहीं होना चाहिए। वज्र स्वामी जिनको दीक्षा शब्द सुनते ही जाते स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जाना कि मेरे जीवन में पूर्व जीवन में और वह जो साधना पूर्व भाव में जो मैंने साधना की थी वह साधना पूर्ण नहीं हो पाई तो वर्तमान जीवन में संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, शरीर साथ नहीं जाता किंतु संस्कार हमारे साथ जाते हैं, वो पूर्व के संस्कार वर्तमान में जागृत हो गए, कैसे दीक्षा मिले। और वैसे भी 8 वर्ष या 60 वर्ष ये वैलिड एज है दीक्षा लेने के लिए। 60 वर्ष के बाद शरीर विहार या साधना के लिए जो शरीर की सुदृढ़ता चाहिए या सहनन की मजबूती वह धीरे धीरे कम होती चली जाती है और 8 वर्ष में मैच्योरिटी जो रिक्वायर्ड होती है वह प्राप्त हो जाती है। नन्हा सा शिशु सोचिए क्या पूर्व के संस्कार होंगे कि उस शिशु के मन में तड़प है जो शावक का तीन मनोरथ जिसमें यह मनोरथ कि कब मुझे संयम जीवन की प्राप्ति हो। मनोरथ का मतलब यह है कि जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में बर्निंग डिजायर, एनी हाउ आई हैव टू मुझे पाना है, यह भावना अंतर हृदय से नित्य प्रातः काल परमात्मा के सामने वह भावना करता है। इतना रोता है बालक कि माँ परेशान हो जाती है। गुरु महाराज जिनका पुनः उस गांव में पढ़ाना होता है, गुरु महाराज ने कहा कि आप गोचरी बहाने के लिए जा रहे हैं, सचित या अचित जो भी दीक्षा मिले आप उसे लेकर के आइएगा। जब किसी बालक की दीक्षा होती है माता पिता अनुमति देते हैं और उसके पश्चात यह प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से, गुरु महाराज सचित भिक्खम गृह अर्थात हमारी नन्ही सी यह राजकुमारी जैसी बालिका जिसको हमने नाजों से पाला है
आप इस सचित्त भिक्षा को आप ग्रहण करके हमें लाभ दिलाए, हमें अनुग्रहित करें। 10,000 रुपए, 50,000 रुपए का फ्लावर डेकोरेशन किया जा सकता है, उन फूलों को भगवान के चरणों में समर्पित किया जा सकता है, किंतु वो वीर पिता और वीर माता होते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा, जो अपने जिगर का टुकड़ा शासन की सेवा में समर्पित कर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, आज आपको सचित या अचित जो भी भिक्षा मिलेगी आप उसे लेकर के आ जाइएगा। जब अपने घर पर जाते हैं उस समय सुनंदा जो कि गृहस्थ आश्रम में उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा, आपका यह पुत्र बहुत रोता है, बहुत रोता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, आप इसे लेकर चले जाइए। उस समय पिता जो कि मुनिश्री हैं, उन्होंने कहा, सोच लो, बहुत अच्छे से विचार कर लो, फिर बाद में मुकर मत जाना। इतनी ज्यादा वह परेशान, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिन जगलिया रात सोलिया, जैसी मारवाड़ी भाषा में यह पंक्ति कही जाती है, दिन में तो जागते हैं, दिन में तो सोते हैं और रात में जागते हैं, दिन सोलिया रात जगलिया, जैसा बचपन में हमने सुना था। पूरी रात जागते हैं किंतु फिर भी जो बच्चा पूरे समय कुछ महिलाओं की साक्षी में, कुछ शावकों की साक्षी में, वह नन्हा सा शिशु जो सिर्फ 6 माह का है, उसे झोली में जहाँ पात्रे होते हैं उस झोली में अपने ही सांसारिक अवस्था में जो पुत्र है उसे बोहरा और लेकर के आते हैं, झोली ला करके गुरु महाराज को समर्पित किया जाता है। गुरु महाराज ने झोली उठाई तो झोली के भार का अनुभव हुआ, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया वज्र, वज्र जैसा भार, और आगे जाके जो वज्र स्वामी बने। पुत्र का जब वियोग हो गया, विरह हो गया, और उस विरह की व्यथा की वेदना जो माँ से सहन नहीं हो पा रही थी, माँ पुनः पहुंच जाती है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब कैसे मिल सकता था, शर्त तय की गई थी। तब फिर मामला राजसभा में पहुंच जाता है राजा के सामने। अब राजा न्याय कैसे दे, तो उस समय यह किया गया कि आज जिन्होंने नाम लिया है ममता जी, आगे आ जाइए, राजकुमार जी ओढ़ी को लाकर आप यहाँ विराजमान करेंगे। जिन्होंने यह निर्णय दिया गया कि एक तरफ तो जितने खिलौने, जितनी आकर्षक वस्तुएं, जितनी भोग उपभोग की सामग्रियां, एक तरफ वह सब कुछ ढेर लगा दी गई, और दूसरी तरफ क्या था, ये रसम है, यह भिक्षा की ओढ़ी कहलाती है, इसे यहाँ पर विराजमान कीजिए। जब कभी किसी की दीक्षा होती है तो दीक्षार्थी, दीक्षार्थी की माता या दीक्षार्थी के परिवारजन इस ओढ़ी को पहले मस्तक पे धारण कीजिए, मस्तक पे धारण, देखिए मस्तक पे धारण करते हैं, और आगे या तो दीक्षार्थी के भाई या फिर दीक्षार्थी यदि सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाती है तो ऐसी स्थिति में ममता जी और सुनील जी, 2 मिनट के लिए आप कविता जी और सुनील जी यदि उपस्थित हो तो आगे आ जाइए। हाँ, रुचि जी और दुष्यंत जी, रुचि जी की तीव्र भावना थी कि मुझे भी यह लाभ मिले, दुष्यंत जी भी उपस्थित हैं जहां तक, तो आगे आ जाइए सिर्फ 2 मिनट के लिए। है दुष्यंत जी उपस्थित, दुष्यंत जी का बेटा है, आगे आ जाइए, दुष्यंत जी को फिर लाभ मिल जाता है, दुष्यंत जी के सुपुत्र। सुनील जी और राजकुमार जी तलवार ले लीजिए, ये आप मत सोचिए कि कविता जी की दीक्षा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा घबराहट मत कीजिए, सिर्फ एक भावोल्लास है कि भविष्य में कभी ऐसी भावना हो तो। जो दीक्षार्थी के भाई होते हैं या फिर कोई सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाए तो उनके जीवन साथी वे तलवार लेकर के सामने खड़े होते हैं, और जो दीक्षार्थी बहना तो ओढ़ी नहीं लेती है, उनकी भाभी या फिर उनकी माता, और वह जिसमें दीक्षा के सारे उपकरण सुसज्जित होते हैं, दीक्षा के मार्ग में प्रस्थित बाला जिनके लिए यह सब कुछ परिवार की तरफ से
हमारा कुछ नहीं होता, परिवार वाले ये सारे वस्त्र रजोरन वो सब परिवार वाले पहनाते हैं। जब दीक्षार्थी रंगीन वस्त्रों में, जिस तरह से आपका बेस जैसे किसी की शादी होती है, विवाह होता है, विवाह का संस्कार होता है, तो दुल्हन की तरह वह दीक्षार्थी जो कि सुसज्जित होती है, किंतु एक क्षण में ऐसा होता है कि जब रजोरन मिलता है और उसके पश्चात जब वह सारा वस्त्र क्या हो जाता है, उतर जाता है और पुनः सफेद वस्त्रों में वह खचा खच भरी सभा जिसमें वह दीक्षार्थी श्वेत वस्त्र मुंडित मस्तक केवल कुछ बाल शेष होते हैं, जिसे चोटी कहा जाता है, गुरु महाराज राख के माध्यम से उन केशों का लुंचन करते हैं। केश के लुंचन से तात्पर्य है क्लेश का लुंचन, अर्थात मन में किसी प्रकार से कहीं भी संसार का कोई क्लेश या संक्लेश के परिणाम नहीं होते हैं। राख के माध्यम से केशों का लुंचन किया जाता है और वासक शेप, वास अर्थात सुगंध, शेप अर्थात पढ़ना, शिष्य के मस्तक पर यह कहा जाता है मस्तक जहां मध्य में आज्ञा चक्र होता है जो कि हमारा साधना का केंद्र बिंदु होता है। और जब गुरु महाराज का हाथ वासक शेप के माध्यम से या फिर केशों के लुंचन के माध्यम से जब मस्तक पर पड़ता है तो शिष्य के लिए शायद वही मोक्ष भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उस समय जब यह संयम वेश की प्राप्ति होती है उसके पूर्व अभी वेती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, वेती धरनो वेश प्यारो प्यारो, इसकी मोली खोल दीजिए, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, वेदी धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, वेदी धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, रजोहरण में लगवाने हवे मन वायु लो भायो, पूर्वजी आगे, रजोहरण में लगवाने हवे मन वायु लो भायो, गुरुकुल मा सिवाने काजे दिल मारु डर जायो, महावीर तारो मार्ग कामर गायो लागे छे, महावीर तारो मार्ग कामर गायो लागे छे, संसारी नो संग खायो खायो लागे छे, वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे छे, वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे छे। यह वही संयम वेश है, सर्वप्रथम भगवान महावीर के शासन में सबसे पहले यह वेश की प्राप्ति किसे हुई थी, किसे हुई थी, गौतम स्वामी को, भगवान महावीर के सर्वप्रथम शिष्य गौतम स्वामी जिनको यह वेश की प्राप्ति हुई थी। संयम जीवन के जो उपकरण है आज शायद हम उन नामों से भी परिचित नहीं है, उन नामों का श्रवण करेंगे और साथ में उसका क्या महत्व है इस महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सफेद क्या चुना होगा, कौन से रंग का, मैं सब कहीं मन नहीं करता, मेरा तो फेवरेट वायलेट कलर है, केशरिया साड़ी, लाल रंग, कभी मन ललचा सकता है क्या। बहुत सुंदर पंक्तियाँ दीक्षा से पहले शायद बहुत बार परमात्मा की स्तुति के रूप में इन पंक्तियों को गाने का सौभाग्य मिला था। वैरागे नारंगो सजी क्यारे प्रभु संजमेरा, श्री सद्गुरु नाचनेमा स्वाध्यायनु गुंजनी करो भ
भावी जीवने दी देश ना हो धर्मेनो सिंचनि करो करे मोथ की हरे गावनी निरले पिठई मोती वरो। परमात्मा से ये प्रार्थना, वैराग्य ना रंगो सजी क्यारी प्रभु संचम ग्रहो, अर्थात जहाँ रंग राग रंग यह सब कुछ वैराग्य में बदल जाता है। अब सोचिए सिर्फ एक गुरु महाराज का इतना प्रबलतम आकर्षण होता है, ऐसा वह अट्रैक्शन पावर होता है कि संसार का कोई राग खींच नहीं सकता। आज यह कहा जाए तो अग्रशेषण का भी पुण्योदय है। सांसारिक माता जी पूज्य जैना श्रीजी महाराज साहेब जिन्होंने जन्म से धर्म के संस्कार दिए, यह तो सत्य है, जैसे इन बिल्ड कर दिया जाता है उस तरीके से। किंतु मुझे गौरव के साथ यह कहते हुए आनंद का अनुभव हो रहा है, रायपुर से डिंपल जी जो सांसारिक भाभी जी हैं, जिन्होंने सिर्फ भाभी का नहीं एक माँ का भी रोल अदा किया। यह सांसारिक वेश जो उतरा, संयम का वेश प्रदान किया जाता है। कविता से यदि आगे आ सकते हैं तो बाकी से भी। अब दीक्षा जो भी शिविरार्थी है, सबसे पहला जो उपकरण है वह है संयम का वेश। पहले संयम का वेश उसका वर्णन किया जाता है, जिसमें आप देखते हैं जब सात्विक जी भगवान मुनि भगवंत होते हैं तो उनके लिए चोल पट्टा होता है, किंतु यदि सात्विक जी भगवंत होते हैं जैसे गृहस्थ अवस्था में साड़ी पहनी जाती है, सात्विक जी भगवंत यह जो दिख रहा है वह साड़ा होता है जिसमें सिर्फ एक सिलाई होती है। और उसका कारण यह है कि कम से कम सिलाई होती है तो कम से कम उसमें जीव कहीं फंस न जाए, जीवों की चेना ही साधु जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। सबसे पहला संयम वेश राग रंग जो कि वैराग्य रंग में बदल जाता है, साड़ा और ऊपर चद्दर होती है सफेद चद्दर, श्वेत रंग जो कि सात्विकता का प्रतीक होता है, और यह डिनोट करता है कि इसी श्वेत रंग की तरह मेरा मन क्या हो जाए, उज्जवल और धवल हो जाए। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा, ज्यो की त्यो धर दीनी चदरिया, अर्थात मैंने जो उज्जवल संयम रूपी चदरिया की प्राप्ति हुई है, जो जीवन रूपी चदरिया मुझे जन्म से मिली थी, मैंने उसमें कोई दाग नहीं लगाया, ऐसा ही बेदाग जीवन जीने का संदेश देता है ये श्वेत वस्त्र, उज्जवल और धवल बनने की प्रेरणा दिया करता है। चारों गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, चारों गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। श्रावक अर्थात देशव्यक्ति जो मनुष्य और तिर्यक्ष को भी प्राप्ति हो सकती है, अर्थात पशु गति में जैसा चंद्र कौशिक जिनको जिन्होंने श्रावक के व्रतों को ग्रहण किया, श्रावक के व्रत पशु गति और मनुष्य गति में भी संभव है। किंतु सर्वव्यक्ति अर्थात संयम जीवन वो कहां संभव है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में। देवता भी तरसते हैं इस वेश को प्राप्त करने के लिए। जब भरत महाराजा जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वे राज वस्त्रों में थे, राजशाही वस्त्रों में देखा है, इसीलिए कहा जाता है कि जब जो भी श्रावक होते हैं घर में जो भी आपका शोरूम होता है उसमें क्या होना चाहिए, क्या डिस्प्ले होना चाहिए, हमारे स्वयं की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए या फिर गौतम स्वामी हमारे गुरुदेव उनकी तस्वीर। श्री अकेलंका तुम्हें ना